हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है की डिफरेंसेस बिटवीन NEFT, RTGS एंड IMPS। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। हालांकि ये लेक्चर छोटा होगा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जब आप पैसे भेजने जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि किस मैथड का आपको इस्तेमाल करना है अपने पैसों को भेजने के लिए। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए, जिसके लिए आपको इस वाले बीकॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं एक छोटा सा फी पेमेंट करके। इसके बाद फी पेमेंट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। नाउ इसके अलावा जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू करें। आप हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए और इग्नो बीकॉम न्यू वाले सेक्शन में जाएं। इस सेक्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, और इसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो की है डिफरेंस बिटवीन NEFT, IMPS एंड RTGS। तो स्पीड ऑफ सेटलमेंट की अगर हम बात करें कि कितना जल्दी जो है सेटलमेंट हो जाता है जब आप पैसे भेजते हो NEFT, IMPS या RTGS के थ्रू, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो NEFT के थ्रू अगर आप पैसे भेजते हो तो कम से कम आपको 30 मिनट का समय लगता है, आधे घंटे का समय लगता है। IMPS के माध्यम से अगर आप अपने पैसे भेजोगे तो रियल टाइम में हो जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा, कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। RTGS के केस में भी रियल टाइम में चीजें हो जाती हैं। मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू जो अगर मैं बात करूं कि कितने रुपए आपको मैक्सिमम भेजने पड़ते हैं, तो NEFT में इसका कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी आप भेज सकते हो NEFT के केस में। IMPS के केस में आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक भेज सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते। और RTGS के केस में भी किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। NEFT में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम का, IMPS में लिमिट है 2 लाख रुपए का, RTGS में भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम ट्रांसफर चार्जेस, ट्रांसफर वैल्यू की अगर बात करें तो NEFT में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। मिनिमम आप 10 रुपए भी भेज सकते हो, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। IMPS में भी कोई लिमिट नहीं होता। RTGS में लेकिन आपको मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए तो ही आप RTGS कर पाओगे, अदरवाइज आपको IMPS या फिर NEFT करवाना होगा, ठीक है। चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो NEFT में कोई भी चार्जेस आपको पेमेंट नहीं करना होता है। IMPS में चार्जेस पेमेंट करना होता है, बट वो डिपेंड करता है कि बैंक कितना आपको ले रही है हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो चार्जेस डिसाइडेड एज पर द बैंक फॉर ईच ट्रांजेक्शन। RTGS के केस में भी आपको चार्जेस जो है नहीं पे करना पड़ता है, बट थोड़े बहुत पे करने पड़ते हैं, वेरी करता है ये। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो NEFT में 24/7 365 डेज जो है इसकी टाइमिंग होती है, मतलब ये हफ्ते के 7ों दिन और एक तरीके से साल का 365 दिन हर दिन जो है ये काम करता है। IMPS भी उसी तरीके से काम करता है, लेकिन RTGS की बात करें तो ये वर्किंग डेज पे काम करता है और वो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो यहाँ बताया गया है सुबह 7 से शाम 5, 7 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लेकर के 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक आप अपने पैसों को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे रिसीव भी हो जाएंगे, लेकिन इसके इस टाइम के बाहर आप अपने पैसों को नहीं भेज सकते, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NEFT, IMPS एंड RTGS। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन NEFT, RTGS एंड IMPS। आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप स्टेटमेंट को वन बाय वन करके, पहले आपने NEFT के बारे में 5 लाइनें लिख दी जो मैंने यहाँ पे बताया है, कोई लिमिट नहीं है वगैरह वगैरह, फिर आपने IMPS, फिर RTGS, इससे आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।